आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने मुझे आदेश किया था, अब मैं उन सब बातों का जिक्र इसलिए नहीं करूंगा कि उसमें और समय जाएगा, पर उन्होंने जितनी जितने बातों का उल्लेख किया है, जितने जितने फ्लाईओवर मांगे हैं, जितने जितने रोड मांगे हैं, वो पूरे मैं मंजूर करता हूं, ऐसा घोषित करता हूं। आपको शायद लगेगा कि मैं घोषणा करूंगा और चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मुझे अभी तक हिंदुस्तान का कोई पत्रकार मेरी घोषणा के बारे में सवाल पूछने वाला अभी तक मिला नहीं है। मैं जो कहता हूं वही करूंगा और जो करूंगा वही बोलूंगा। पर राजनाथ सिंह जी ने मेरे उनके वो मेरे ज्येष्ठ मित्र है, उसका बहुत कम ही उपयोग किया है। वैसे आप भी 5-10 हजार करोड़ लखनऊ के लिए मांग लेते तो मैं तैयार हूं, वो भी ऑफर आपको देके जा रहा हूं। मैं जब लाखों करोड़ों में बात करता हूं तो बहुत बार मीडिया वाले पहले मेरे ऊपर विश्वास नहीं रखते थे, पर मैं ऐसा हिंदुस्तान का एक मंत्री हूं कि जो मैं कभी पैसे की चिंता नहीं करता। हमें 1,18,000 करोड़ का बजट है और अभी मैंने 9 लाख करोड़ के काम अवार्ड किए हैं और 4 लाख करोड़ मैंने कैपिटल मार्केट से खड़े किए हैं, लोग लाइन में खड़े हैं। अभी 30,000 करोड़ चाहिए थे तो 3 बैंकों ने 10-10 हजार करोड़ चाहिए थे तो 30,000 करोड़ की ऑफर आई, तो 10,000 करोड़ हमने 6.85 इंटरेस्ट पर ले लिए। तो एक बैंक के चेयरमैन मेरे पास आए और नाराज हुए कि मेरे 10,000 करोड़ आपने क्यों नहीं लिए। मैंने बोला थोड़े दिन के बाद ले लेंगे। निर्णय करने में देरी करने वालों को बोलता भूल जाओ, तुम्हारे पैसे नहीं होना।